जबरन धर्मांतरण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई हुई प्रभावित। आज भी राज्यसभा में सुचारू रूप से नहीं हो पाई कार्यवाही। मुंबई आतंकवादी हमले के मुख्य षड्यंत्रकर्ता जकीउर रहमान लखवी को जमानत देने पर राज्यसभा में आज सर्वसम्मति से एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में पाकिस्तान के संवेदनहीन रवैये पर चिंता जताई गई। जनता परिवार के 6 दल एक साथ मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ आज जंतर मंतर पर कर रहे हैं प्रदर्शन। केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद यह पहला राजनीतिक विरोध प्रदर्शन है। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने केंद्र सरकार पर तमाम वायदों को पूरा न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि काले धन की वापसी, युवाओं को रोजगार देने जैसे मुद्दे को लेकर पार्टी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को सकारात्मक तरीके से विरोध करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल विरोध के जरिए जनता से संबंधित मुद्दों को उठाने की बजाय राजनीति करते हैं। केरल के पलक्कड़ जिले के मुकाली में आज तड़के राज्य वन विभाग की एक जीप को आग लगाई गई। यह जीप राज्य वन कार्यालय के पास खड़ी थी। आग लगाने से कार्यालय में कुछ फाइलें और कंप्यूटरों के भी क्षतिग्रस्त होने की खबर है। समूचा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। ठंड की वजह से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड और कोहरे की वजह से रेल, सड़क और विमान यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का प्रकोप पूरे राज्य में जारी है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी ठंड पूरी तरह से अपना असर दिखा रही है। ठंड के साथ कोहरे का कहर भी जारी है। ठंड ने अपने पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। आने वाले दिनों में ठंड के और भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। उत्तरी इराक में मौजूद कुर्द सैनिकों ने माउंट सिंजर को आईएस के कब्जे से मुक्त कराने का किया दावा। इराक और सीरिया के इन हिस्सों पर कुछ महीने से था इस्लामिक स्टेट के आतंकियों का कब्जा। उत्तरी अफ्रीका के देश ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में बेजी एसेबसी ने अपनी जीत का ऐलान किया। बेजी एसेबसी देश के पूर्व सुल्तान जिने अल आबिदीन बेन अली के शासनकाल में संसद अध्यक्ष थे। पाकिस्तान में 4 आतंकवादियों को कल फांसी दी गई। पंजाब प्रांत में फैसलाबाद की जिला अदालत को फांसी दिए जाने संबंधी आदेश पत्र मिलने के बाद इन फैसलों पर अमल किया गया। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की 127वीं जयंती आज। गणित के विकास में अहम योगदान के लिए उनकी जयंती को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में।